अगर आप पैसे से पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, तो आपने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी जैसी चीजों के बारे में तो सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों के जरिए ही शेयर मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क भी कम है और फायदा भी कम। वहीं जो लोग ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म कैसे शुरू किया जाता है। इक्विटी फंड भी दरअसल म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। इक्विटी फंड सबसे ज्यादा शेयर मार्केट की कंपनीज में पैसा निवेश करता है, इसलिए इक्विटी फंड में मुनाफा और नुकसान दोनों ही है। इसीलिए रिस्क लेने वाले सबसे ज्यादा इसी में पैसा लगाते हैं और सेफ इन्वेस्टर इक्विटी फंड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इक्विटी फंड्स आम तौर पर तीन तरह के होते हैं, जैसे पहला है मिड कैप इक्विटी फंड। मिड कैप इक्विटी फंड इक्विटी फंड का वो हिस्सा है जो कि शेयर बाजार की उन कंपनीज में निवेश करता है जो मध्यम वर्ग की होती है, जिनमें पैसा निवेश करने पर नुकसान और मुनाफा दोनों ही बराबर का हो सकता है। मध्यम वर्ग की कंपनीज अगर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती तो निवेशक का पैसा मिड कैप में डूब सकता है। लेकिन कई बार कंपनीज कुछ इस प्रकार परफॉर्मेंस देती है कि इन्वेस्टर को बहुत ही ज्यादा मुनाफा होता है। दूसरा है स्मॉल कैप इक्विटी फंड। स्मॉल कैप इक्विटी फंड छोटी छोटी कंपनीज में निवेश करता है जो जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर छोटी कंपनी अच्छी तरह परफॉर्म कर जाए तो निवेशक को अपने निवेश से 50 गुना ज्यादा तक मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इन कंपनियों में निवेश की लागत कम होती है लेकिन रिटर्न्स ज्यादा मिलता है। तीसरा है लार्ज कैप इक्विटी फंड। लार्ज कैप इक्विटी फंड शेयर बाजार की उन कंपनियों में पैसा निवेश करता है जो कि अपने क्षेत्र की टॉप कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां मार्केट में अपनी वैल्यू बनाकर रखती हैं और इन कंपनीज में पैसा डूबने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है और इन कंपनियों से मुनाफा भी बहुत कम मिलता है। आजकल शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का ट्रेंड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। ज़ीरोडा, अपस्टॉक, 5paisa, एंजल ब्रोकिंग और स्टॉक कार्ड जैसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करवाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने एडवर्टीजमेंट जरूर देखे होंगे। अब बात करते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन की। प्राइवेट इक्विटी फर्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी शुरू करनी पड़ेगी और इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन सबसे सही रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको कैसे शुरू करनी है, इस पे क्विक सपोर्ट ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, आप उसे जरूर देखिएगा। कंपनी से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाने के बाद आपको एक ऑफिस की भी जरूरत पड़ेगी जहां से आप अपना बिजनेस चलाएंगे। इसके लिए आपको एक सही लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पर क्लाइंट्स और आपसे जुड़े लोगों की आसान पहुंच हो सके। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फर्म शुरू करने के लिए आपको ढेर सारे इन्वेस्टर्स भी चाहिए होंगे। ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अपने लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और अमीर लोगों से फंड्स जुटाते हैं, तो आपको भी ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो आपके फर्म में अपना पैसा लगाने को तैयार हो। आमतौर पर इन्वेस्टर्स को 10 साल के बाद एक मोटी रकम कमाई के तौर पर वापस की जाती है। अब बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी की। शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते ही हैं मुनाफे के लिए, इसलिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले भी तभी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे जब उनको आपके बिजनेस में पैसा दिखाई देगा। इसके लिए आप और आपकी टीम को मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। शेयर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना सही रहेगा, कहाँ पैसा नहीं डूबेगा, इन सारी चीजों के लिए आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपनी बात से इन्वेस्टर्स को भरोसा दिला पाएंगे। अब आगे रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फंड रेज करने के लिए सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशंस 2012 में रजिस्टर करना होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। सेबी के हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम जरूरी है क्योंकि ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को सभी जरूरी जानकारी देना सुनिश्चित करता है। द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि इंडिया में बिजनेस करने के लिए किसी भी कंपनी का इसमें रजिस्टर करवाना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक सिक्योरिटी देते हुए कैपिटल रेज नहीं कर सकती। कैपिटल रेज करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट दिखाना पड़ता है और सिक्योरिटी कुछ व्यक्तिगत लोगों को इश्यू की जाती है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने के पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे कि टीजर। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में ब्रीफ में बताया गया होता है ताकि इन्वेस्टर्स को लाया जा सके, हालांकि सेलर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। इसके बाद आता है नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। किसी भी इन्वेस्टर को टीजर दिखाने के बाद उसे NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाना पड़ता है ताकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जा सके।
और अब आता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। NDA साइन होने के बाद बैंकर या इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है, जिसमें कंपनी के बारे में सभी जानकारियां रहती हैं, जैसी कि इन्वेस्टमेंट थीसिस, कंपनी का ओवरव्यू, एम्प्लॉइज डिटेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट और फाइनेंस की जानकारी। इसी पे डिसाइड होता है कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। इसके अलावा भी कई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो फर्म और इन्वेस्टर के बीच पूरी करनी होती है। प्राइवेट इक्विटी फंड का लाइफ स्पैन 10 साल का होता है। कोई इन्वेस्टर या बायर इसीलिए इन्वेस्ट करता है कि उसे मुनाफा चाहिए और कल को अगर शेयर के भाव बढ़े तो उन्हें बेचा जा सके। अगर कोई इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी से अपना मालिकाना बेचना चाहे तो वो भी कर सकता है। IPO की बात करें तो प्राइवेट इक्विटी से बाहर निकलने का सबसे कॉमन तरीका है IPO, जिसमें कंपनी के शेयर की लिस्ट शेयर मार्केट में लगा दी जाती है, जहां से पब्लिक भी उन शेयर्स को खरीद सकती है। शेयर बिकने के बाद ही एग्जिट प्रोसेस पूरा होता है। अब ट्रेड सेल की बात करें तो इसमें प्राइवेट इक्विटी को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है जो इसी फील्ड का होता है। इससे कंपनी को रेवेन्यू मिलने का अंदाजा तुरंत लग जाता है। इसके अलावा भी डुअल ट्रैक प्रोसेस, सेकेंडरी सोल्ड आउट जैसे तरीके भी अपनाए जाते हैं। क्या प्राइवेट इक्विटी फर्म खोलना समझदारी है? इतना सब कुछ जानने के बाद एक और सवाल, तो इसका जवाब ये है कि ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फर्म खोलने के लिए ढेर सारे स्मार्ट और हार्डवर्किंग प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। ज्यादा देर तक काम करना पड़ सकता है और टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। अल्टरनेटिव के तौर पर वेंचर कैपिटल फर्म या एंजल इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाकर प्राइवेट कंपनीज में छोटी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फंक्शन ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो एक प्राइवेट इक्विटी फर्म मार्केट से इन्वेस्टमेंट जुटाने के बाद कंपनीज में शेयर खरीदते हैं। वो अपनी ही कंपनी को बड़ा बनाते हैं या फिर किसी नई कंपनी को खरीद कर उसमें जरूरी बदलाव लाते हैं। आमतौर पर एक प्राइवेट इक्विटी फर्म किसी नई कंपनी या किसी पुरानी कंपनी को खरीद कर उसकी वैल्यू बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए कंपनी में एम्प्लॉय बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है और कंपनी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कई बार इक्विटी फर्म नई कंपनी को खरीदकर कंपनी के कई ऐसे विंग्स या डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं जिनसे कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। बाद में जब कंपनी दोबारा स्टेब्लिश हो जाती है तो प्राइवेट इक्विटी फर्म प्रॉफिट के लिए उसे बेच देती है ताकि ज्यादा पैसा आ सके। इक्विटी फर्म्स का मोटिव ही होता है किसी कमजोर प्राइवेट कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उसे मजबूत बनाना, ताकि शेयर मार्केट में उसके शेयर के भाव बढ़ जाएं और उससे मुनाफा कमाया जा सके। फिर उसी मुनाफे से इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटाया जा सके। लेकिन इस काम में रिस्क भी है, क्योंकि किसी नई कंपनी पर लगाया हुआ पैसा अगर रिटर्न नहीं हुआ तो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। इसलिए सबसे पहले किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। तो क्विक सपोर्ट के इस वीडियो के अलावा भी आप प्राइवेट इक्विटी फर्म के बारे में अपनी तरफ से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आपने कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।